हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी फेस करा होगा, अगर आपके पास फोर्स मोटर की ट्रैवलर या फिर क्रूजर गाड़ी है, तो फोर्स मोटर की कोई सी भी गाड़ी आपने कभी नोट करा होगा कि आपके जो अपना ऑडोमीटर होता है उसके अंदर DPF की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। DPF और रीजनरेशन, जिसको हम बोलते हैं DPF की लैम्प, और होता है कि अपना EDC की लाइट, ठीक है, ये दोनों लाइट अपनी ब्लिंक करने लग जाती है। इनकी दो कंडीशन होती है, एक तो ये ब्लिंक करती है, नंबर दो ये करती है हमेशा जो है ब्लिंक भी रहती है, मतलब कि एक तो ब्लिंक करना है, ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही है, दूसरा होता है कि भाई वो ब्लिंक बिल्कुल ही परमानेंटली कर रही है। दोनों का अलग अलग सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो है लाइट जो है आई हुई है, इसका मतलब तो ये है कि वो रीजनरेशन का मांग रही है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि गाड़ी की रीजनरेशन करनी पड़ेगी। मेन मोटिव रीजनरेशन का क्या होता है, अपनी गाड़ी के इन गाड़ियों के अंदर जो होता है वो यूरिया होता है। यूरिया क्या करता है, जो भी अपना स्मोक निकलता है, जितना भी मतलब जो भी हम बोलते हैं प्रदूषण को खत्म करने के लिए BS6 गाड़ियाँ बनाई गई हैं। BS6 गाड़ी का जो है जो अपना नीचे जो टैंक होता है DPF, वो उसको ना जो बाहर में जितने भी गैसेज होते हैं या फिर जो शरीर को हमारे हानिकारक होती है उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। BS6 जो है ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं वो लैंप वाली, उसका प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हमें उसका रीजनरेशन करना पड़ेगा। रीजनरेशन करने से पहले हमें जो जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। पहले मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या है कि गाड़ी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी और बार बार जो है हम देखेंगे थोड़ी दूरी पे जाके बंद हो जाएगी, या फिर क्या करती है ऑटोमेटिक स्पीड छोड़ देती है, पकड़ लेती है, छोड़ देती है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार हम ढलान पे होते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार उसका रीजनरेशन करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम तब आती है या तो अपनी गाड़ी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं ले पाती, जैसे स्कूल बसेज होती हैं या दूसरी भी गाड़ी होती है जो ठंडी चलती है। कहने का मतलब साफ साफ ये है, जो गाड़ी पूरा टेम्परेचर नहीं ले पाती, इस जनरेशन को करने के लिए हमें 70°C का इसका टेम्परेचर अपना होना चाहिए गाड़ी का। तो सबसे पहले आप ये बात नोट कर लेना, जब भी आप ये रीजनरेशन करोगे अपनी गाड़ी थोड़ी चल के आई होनी चाहिए, मतलब आपको ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि गाड़ी जो है वो 70° तक अपने सेल्सियस तक जो है वो गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर है, तभी ये रीजनरेशन होगा। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है रीजनरेशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, गाड़ी को पार्किंग में खड़े कर देना है, पार्किंग में या फिर कहीं ऐसी चीज़ में खड़ी कर देना जो नीचे कोई जलने वाला पार्ट या कुछ भी ना हो, नीचे घास फूस वगैरह कुछ ना हो। क्योंकि क्या होता है, वो जो अपना DPF होता है उसको जब वो उसको जलाएगा तो जलाने के लिए जो है उसको टेम्परेचर हाई करेगा, वो नीचे से वो लाल हो जाएगा, बिल्कुल रेड, बिल्कुल हीट एग्जॉस्ट करेगा, बिल्कुल हीट आएगी गाड़ी के नीचे से, ठीक है। तो उसका तो ध्यान रखना, उसके नीचे कुछ होना नहीं चाहिए ताकि आग लगने का डर हो या कुछ भी हो। नंबर सेकंड होता है जो अपने अंदर वो सवारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पैसेंजर वगैरह नहीं बैठा होना चाहिए। फिर आ जाते हैं अपनी बात कंडीशन पे, गाड़ी ऐसे खड़ी हो पार्किंग में कोई इशू नहीं है, गाड़ी जो है न्यूट्रल खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल। गाड़ी का टेम्परेचर जो आपकी गाड़ी मतलब चल के आई होनी चाहिए, या फिर आप खड़े करके कर लो या फिर आप चला के ले आओ, गाड़ी का टेम्परेचर इंजन का जो है वो 70°C तक होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद क्या करना है। आइए, गाड़ी का जो है गियर बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, गाड़ी की पोजीशन होनी चाहिए जो इस टाइप से होनी चाहिए, मतलब सीधी क्लियर कट इस टाइप से होना चाहिए, न्यूट्रल अपना गियर होना चाहिए। और अभी जो ये स्कूल बस है, तो स्कूल बस में रीजनरेशन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो जो दूसरी गाड़ी अपनी नॉर्मल ट्रैवलर वगैरह है उनका रीजनरेशन का ऑप्शन आता है इस साइड। तो अभी मैं आपको लाइट वगैरह सब कुछ क्लियर कट दिखा दूंगा, किस तरीके से जो है लाइट कहाँ पे आती है और क्या आती है। अभी मैंने आपको बात करी थी दो कंडीशन की, कि भाई ये लाइट एक तो ब्लिंक करती है और एक परमानेंट रहती है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। कई बार आपने देखा होगा कि आप रीजनरेशन भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, जिनको रीजनरेशन का प्रॉपर पता है, वैसे तो 80% रीजनरेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, और जो कर पाते हैं फिर भी नहीं, गाड़ी का जो है पिकअप ड्रॉप रहती है, सब कुछ रहती है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखनी पड़ेगी, वीडियो के एंड में मैं आपको सब कुछ क्लियर कट कर दूंगा, ये क्यों आती है, किस वजह से आती है, और आती है तो जाएगी कैसे, और उसका सोल्यूशन प्रॉपर क्या रहेगा। तो अभी के लिए मैं आपको अंदर से बता देता हूँ क्या क्या हमने कैसे कैसे कर। तो दोस्तों, अभी हम अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो गाड़ी के अंदर आते ही मैं आपको बता देता हूँ कई गाड़ियों में क्या होता है, जो अपनी ट्रैवलर होती है, जो मतलब टेम्पो ट्रैवलर 26 सीटर या दूसरी, अभी ये स्कूल बस है, तो स्कूल बस में रीजनरेशन का ऑप्शन यहाँ पे है, ये है अपने रीजनरेशन का, कई गाड़ियों में ये यहाँ पे होता है, तो उससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने साइन कर ध्यान रखना है, साइन आता है इस टाइप का। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। अभी मैं गाड़ी में ना कुछ बाहर से आवाजें आ रही है, गाड़ी कर देता हूँ बंद। अब मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी को सिंपल में आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये DPF की लाइट कौन सी होती है। साइड हम आएंगे तो ये लो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप सभी को ये दी। तो अभी आपको यह देखो EDC की लाइट आई हुई है, और साथ में ही EDC के अपने सारी लाटे आई हुई है, EDC के साथ में रीजनरेशन का भी आपने ये देखो होगा, ये देखो ऊपर
रीजनरेशन का ये यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है दोनों साइड, और DPF की अपनी लाइट ये है, ठीक है। इस टाइप से लाइट आएगी, दो कंडीशन आएंगी, एक तो गाड़ी जो है लाइट ब्लिंक करेगी, और सिंपल में हमने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट करना है, ये बात का ध्यान रखना है, गाड़ी जो है अपने इंजन का टेम्परेचर वो 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 70 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि गाड़ी गर्म हुई होनी चाहिए, उसके बाद ये रीजनरेशन होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल में ये 5 सेकंड के लिए जो ये वाला है, जब हम सब कुछ प्रेस सब कुछ कर लेंगे, सब कंडीशन जो जो मैंने आपको बताई है, सब कुछ बताने के बाद गाड़ी से अपने क्लच पैडल से सबसे इनको सबसे हटा लेना है, पैर वगैरह को सबको। उसके बाद कोई किसी भी गाड़ी में कहीं पर टच नहीं करना। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपना ये है एक्सीलेटर, ब्रेक पैडल, क्लच, इन सबसे जो अपनी गाड़ी को हमने पैर को जो है पीछे कर लेना। उसके बाद हमने 5 सेकंड के लिए जो है इसको रीजनरेशन के जो अपना बटन है इसको प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक जो है गाड़ी की जो है RPM वगैरह, RPM जो है वो 1800 से 1800 पे अपने आप जाएंगे और वापिस आएंगे। वो कोई कंडीशन नहीं है कि वो अपने आप जो अपनी गाड़ी को वो रीजनरेशन स्टार्ट कर देगा, अपने आप सब कुछ करेगा, गाड़ी का टेम्परेचर भी होएगा, सब कुछ अपने आप करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपना चलेगा 30 मिनट तक या फिर उससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपने गाड़ी के अंदर जो DPF है नीचे उसमें शूट कितना बना हुआ है। जितना शूट बना होगा, जितने उसके अंदर कार्बन जमा होगा, जितना उसके अंदर मतलब एग्जॉस्ट का जो ब्लैक स्मोक का जो भी होगा वो होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको जलाएगा। जो अगर ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, कम होगा तो कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जो हमने वो करना है, सिंपल में आपने सब देख लिया होगा। इसके बाद अपना मेन मोटिव आ जाता है, इसके बाद अपनी जो लाइट है वो लाइट भी चली जाएगी, और जो अपनी EDC की लाइट है वो भी चली जाएगी। अगर नॉर्मली में ऐसा होता है आपके साथ कि वो ब्लिंक कर रखी है, बिल्कुल मतलब ब्लिंक नहीं कर रही, आ रही और जा रही नहीं है, लेकिन वो ब्लिंक कर रही है परमानेंट, तब ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी की जो है वो लाइट भी चली जाएगी और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, इसके बाद क्या करना है। जैसे गाड़ी में वो ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देती है, वो ब्लिंक करनी स्टार्ट कब करती है, जब हमारे पास ये लाइट आ जाती है और हम इसका ध्यान नहीं देते और रीजनरेशन टाइम पे नहीं करते, और रीजनरेशन टाइम पे या फिर हो नहीं पाता, दोनों कंडीशन होती है, तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको सब कुछ। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको सिंपल वाला तो बता दिया था, जो अपना गाड़ी की जो लाइट है वो ब्लिंक करती रहती है, मतलब कहने का ये है जो परमानेंटली ब्लिंक रहती है, उसका रीजनरेशन कैसे करना वो मैंने प्रोसेस आपको बताई दिया है, पर्टिकुलर इस वीडियो को देख लेना। अब सेकंड स्टेप आ जाता है कि भाई वो लाइट परमानेंटली ब्लिंक करने लग जाती है, ऐसे ऐसे मतलब ब्लिंक करती रह जाती है, उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है, उसको आपको नियरेस्ट किसी भी अपने जो डीलर पड़ता है अपने डीलर के पास जाना है, वो लैपटॉप लगा के उस गाड़ी का रीजनरेशन कर देते हैं। सेकंड हो गया। अब तीसरा रीजनरेशन होता है अपना DPF को पूरा डिसमेंटलिंग करके, उसमें क्या हो जाता है, लैपटॉप से भी नहीं हो पाती, मैनुअल वैसे भी नहीं होती, फिर उसको हमने मैनुअल करना पड़ता है, DPF को जो है वो पूरा डिसमेंटल करना पड़ता है, उसके बाद उसमें से जो भी कार्बन वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है, उसके बाद दोबारा रीजनरेशन होती है, उसके बाद गाड़ी की लाइट जाती है, फिर गाड़ी अपनी प्रॉपर ओके हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें रीजनरेशन का, मेरे को लगता है आज आपको सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से काफ़ी जो भी हमारे करनाल नियरिस्ट होंगे वो सभी मेरे को जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम है रोहित, तो नीचे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी फोर्स मोटर से रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर देना, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये डाल देना किस पर्टिकुलर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, या जो भी आप चाहते हो मेरे से एक्सेप्ट करते हो कि भाई इस टाइप से हमें फोर्स मोटर की रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए या वो पता होना चाहिए, जो भी आप कहोगे जितना मेरे से हो सकेगा मैं सोल्यूशन उसको डाल दूंगा। इन फ्यूचर अगर आप कई गाड़ी लेके कहीं दूर गए हो या फिर कुछ हुआ और आप ये प्रॉब्लम आ जाती है, या गाड़ी में कोई भी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है फोर्स की मोटर की गाड़ी, तो मैं नीचे जो है वो नंबर मेंशन करता हूँ, टोल फ्री नंबर है अपना, टोल फ्री नंबर पर कॉल करना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको बताना, नियरिस्ट जो भी आपके डीलर होगा वो आपको डीलर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे और पूरी हेल्प करेंगे टोल फ्री नंबर से। तो अब मैं आपसे लास्ट बार और कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपको वीडियो चाहिए हो मैं कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जितने भी अपने फोर्स मोटर की जिन भी कस्टमरों के पास गाड़ी है या अपने दोस्तों के पास गाड़ी है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ भी आते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। आने वाले टाइम में आपको फोर्स मोटर से रिगार्डिंग टोटल जितनी भी वीडियोज़ हुआ है इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप भी करनाल के रहने वाले हो या फिर नियरेस्ट हो, आपको कहीं पे भी कोई करनाल की लोकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो ज़रूर विजिट करना केशव ऑटोमोबाइल करनाल में। अब मैं आपको वहीं पे मिलूँगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर देना। थैंक यू सो मच।